हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ब्लाउज की प्लेट्स में सिलाई कैसे लगाते हैं। बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताऊंगी। और अगर आपको ब्लाउज की कटिंग और प्लेट्स में निशान लगाना सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला है, आप वहाँ से एक बार ज़रूर देखें। और ब्लाउज की कटिंग करने के बाद और प्लेट्स के निशान लगाने के बाद आपको ब्लाउज का कपड़ा और अस्तर को सुई से कच्चा करते हुए दोनों को आपस में जोड़ लेना है, जिससे कि प्लेट्स में सिलाई लगाते समय आपका अस्तर और कपड़ा आपस में हिले नहीं, एकदम जुड़ा रहे। तो इस तरह से कच्चा करने के बाद अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो नीचे की जो हमारी दो प्लेट्स होती हैं इनमें हमें करीब एक एक इंच के इस तरह से सिलाई लगानी होती है। तो इस तरह से मैं निशान लगा के बता देती हूँ आपको। तो इसमें भी इस तरह से एक एक इंच के हमें सिलाई लगानी है। तो नीचे से एक इंच लेते हुए और उसके बाद तिरछा ले जाते हुए ऊपर कोने में मिला लेना है। और जो हमारी और बाकी बची हुई तीन प्लेट्स हैं उनमें हमें एकदम हल्का हल्का सा कपड़ा लेते हुए इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बस इतना सा, थोड़ा सा इतना इतना लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट में भी निशान लगा लेना है। तो अब ये निशान लगाने के बाद अब हमें इनमें सिलाई रखनी है। तो अब मैंने यहाँ पे ब्लाउज का आगे वाले पार्ट का पहला पीस ले लिया है, तो इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम अपने नीचे वाले प्लेट में सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो हमारी नीचे वाली प्लेट है, तो नीचे की ओर से हमें इस तरह से इसे जो लाइन है सेंटर में रखते हुए अब निशान से हमें इस तरह से ऊपर की ओर सिलाई लानी है। तो इस तरह से हल्का सा सीधा लाते हुए और तिरछा घुमाते हुए और इस तरह से हमने एक प्लेट में सिलाई लगा लेनी है। और मशीन को थोड़ा आगे तक घुमाना है जिससे कि हमारा ये धागा है जो लंबा आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इतना एक्स्ट्रा हमें अपना धागा छोड़ना है। और अब इसी तरह से हमें अपनी दूसरी प्लेट में भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे जो हमने निशान रखा था तो इसके ऊपर हमें मशीन रखते हुए और इस तरह से हमें यहाँ तक सिलाई लेके आना है। और यहाँ तक सिलाई लाने के बाद हमें मशीन को थोड़ा आगे तक ले जाना है। ये हमें हर प्लेट में करना है इस तरह से। ये देखिए, सिलाई कंप्लीट होने के बाद भी हमें मशीन को घुमाते रहना है जिससे कि ये धागा जो है हमारा लंबा आ सके। इससे क्या होगा कि हमारी सिलाई जो है वो खुलेगी नहीं। तो इस तरह से हमें अपनी सारी प्लेट्स में सिलाई लगा लेनी है। और अब इसी तरह से हमें अपनी चौथी प्लेट्स पे भी सिलाई लगा लेनी है। तो हल्का सा कपड़ा लेते हुए सिलाई लगानी है। और सिलाई को हमें थोड़ा आगे तक ले जाना है जिससे कि ये धागा लंबा आ सके। तो इस तरह से मैंने चारों प्लेट्स में सिलाई लगा ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। और पीछे की तरफ से ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पीछे इस तरह का कपड़ा है। तो ये हमने अपनी चारों प्लेट्स में सिलाई लगा ली है। और इसी तरह से हमें अपने आगे के दूसरे वाले पार्ट में भी सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से ही लगानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने अपने दोनों आगे के पार्ट्स में सिलाई लगा ली है अपनी प्लेट्सों में। तो इसी तरह से आपको भी सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आज हमने प्लेट्स में सिलाई लगाना सीखा। और आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।